हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुने सिपाही, हम जा रहे हैं यहां से और अपने शहीदों को यानी शहर में दफन करेंगे। उस्मान साहब आ रहे हैं। मंजनी के बहुत मेहनत लगी थी इनमें, बहुत मेहनत लगी थी। ठीक हो ना? बाला, 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 मेरी बहादुर खातून, ठीक हो ना? मैं ठीक हूं मेरे उस्मान, मगर उन्होंने हर जगह तबाही फैला दी। मेरे लोग, मेरे सिपाही, क्या तुम्हें अपने सरदार पे भरोसा नहीं है? जवाब दो। उठो जरा। कैसे हुआ ये? जैसे ही हम जहां से गए, करारगाह पे हमला हो गया। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं इतने सालों से आपके साथ हूं, लेकिन आज आप गुस्से में अंधे हो गए। सिर्फ एक गलती की वजह से मुझे निकाल रहे हैं। ठीक कहा था तुर्गुत साहब। मैंने कहा था वो आ जाओ। बोरान, बुलाओ सरदारान को, दीवान के लिए जमा करो उन्हें। जो आपका हुक्म हुजूर। उन्होंने हमारा बाजू तोड़ दिया होगा, लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे। वो अब हमारे सर को निशाना बनाएंगे। और हां हुजूर, अपने भाई को साथ लो और राजा हिसार जाओ और वहां के सरदारान को इकट्ठा करो जाके, और सभी को साथ लेकर आओ यानी शहर। जो आपका हुक्म जनाब। बाला, सिपाहियों के साथ तुम जाओगे, क्योंकि मुझे किसी से मिलना है पहले। ठीक है जनाब।
चलो सिपाहियों। दिलेर सिपाही, अल्लाह जालिम और गद्दारों से इंतकाम लेने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बाइंदर और उलोव की तरफ कासिद भेजो, जाकर कहो कि मेरे नए हुक्म के लिए यहां आए। लगता है मुझे इस वक्त उलोव की ज्यादा जरूरत है। क्या आप वाकई उलोव को बार मराजिक देने जा रही हैं, वालिदा सुल्तान? वो अहमक यही सोचता है, लेकिन मैं उसे जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी। जब उस्मान के साथ निमट लूंगी तो उलोव का काम भी तमाम कर दूंगी। और उस्मान, बताइए उसके लिए आपका क्या मंसूबा है? मैं उस्मान को जहन्नुम रसीद कर दूंगी, तन्हाई की जहन्नुम। उसके दोस्त, उसके लोग, हत्ता के उसका खानदान भी उसके साथ नहीं खड़ा होगा। मैं यनी शहर पर गुर्बत और फाके लेकर आऊंगी। जब उस्मान के तमाम लोग भूख से मर रहे होंगे, तब मैं उनकी रस्सी खींचूंगी और वो उस्मान से मुंह मोड़ लेंगे। उस्मान से मुंह मोड़ने वाले मेरे साथ खड़े होंगे। वालिदा सुल्तान पूरा यनी शहर ले लेगी और वो देखता रह जाएगा। गोदामों को देखो और बताओ कि कुछ गायब नहीं है। हमने जो कुछ शुरू किया है, अल्लाह करे उसका खात्मा अच्छा हो। आमीन हुजूर, आमीन। इस तरह अचानक दौरा करना, अब आप मेरी जायदाद पर छापा मारो। निकलो यहां से। अपने मकसद से तुमने मुंह मोड़ लिया। उन्होंने हमारे सिपाही शहीद कर दिए। करारगाह का मकाम सिर्फ तुम जानते थे। तुम ये आखिर कैसे कर सकते हो, बताओ मुझे, ये सब कुछ करने की वजह क्या थी? आपने मुझसे ऐसे कहा जैसे आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते। यकीनन मंजिल एक ही है, लेकिन रास्ते पर एक साथ नहीं चल सकते। जो सुल्तान का नौकर है, उसका और मेरा रास्ता एक नहीं हो सकता। आपको अंदाजा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। अब मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? हर चीज अपनी आंखों से देख रहा हूं। करारगाह का मकाम जाहिर करने के लिए तुम इतने नीचे नहीं गिरे जितना पीठ फेरने से गिरे हो। उन्होंने इसलिए हमला किया क्योंकि तुम वहां नहीं थे। मैंने भरोसा किया था तुम पे, तुम्हें एक अजीम पहाड़ समझा मैंने, लेकिन तुम एक पहाड़ तो क्या छोटी सी चट्टान भी नहीं हो। तुमने मेरा दिल दुखाया है। और आपने मेरे साथ क्या किया?
मैं कोई खराब चाकू नहीं हूं उस्मान साहब। अगर आप मुझे इतना तेज कर देंगे तो मैं यकीनन काटूंगा। तुम मेरे खिलाफ हो गए सिर्फ जायदाद की वजह से, और मैंने भाई कहा था तुम्हें, ये तुमने अच्छा सबक दिया तुरकुत। आप जानते हैं आपने क्या किया, आपने उन लोगों को छोड़ा जो शुरू से आपके साथ हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका साथ देने के दौरान मैंने कितने लोगों को खोया, कितना जख्म है मेरे अंदर, आपके लिए कितने कीमती लोग खोए हैं। मेरे पीछे आने वाले चंद ही लोग हैं जो कि जिंदा हैं। मैंने अपनी खातून को उस वक्त दफनाया जब वो हमला थी उस्मान साहब। बहुत कुछ खोया मैंने भी, अपने हाथों से अपने भाई को दफनाया, बहुत कुछ खोया हमने, लेकिन कले की वजह से कभी मुंह नहीं मोड़ा हमने। कला, अगर हमारा मकसद पूरा नहीं होता तो जितने भी नुकसान उठाए सबके सब बेकार होंगे। अब भी कले की बात कर रहे हैं, कौन सा कला, नजर नहीं आ रहा। मैं इनागोल का हुक्मरान हूं, मसला कोई और है। उस्मान, आओ देखते हैं कि क्या आप तुम कोबरा सार पर हमला कर सकते हो। उस्मान, हमारे हमले ने उसे पागल कर दिया होगा, टांगे तोड़ दी हमने उस्मान की। जल्दी, बहुत जल्द मैं उसकी गर्दन भी तोड़ दूंगा। इस्मीहान को वो मिल गया जो वो चाहती थी, यकीनन आज वो बहुत खुश होगी। और हम, क्या लगता है जो हम चाहते हैं हमें वही मिलेगा? मारमराजी कब हमारा है? मेरा भाई ठीक कह रहा है, इस्मीहान सुल्तान मरमराजिक ना दे तो क्या होगा। बोलो, इस्मीहान सुल्तान मिलना चाहती है आपसे। कुछ और चाहिए? हा, मजीद और मजीद कुछ और चाहिए, यानी जो तुम्हारे पास है तुम मुझसे मुतमइन नहीं। तुम्हारे अंदर सिर्फ और सिर्फ जायदादों की आरजू है। जरा देखो अपने आप को, गुरूर देखो जरा अपना। आपने मजबूर किया मुझे, अब आपको अपना यह तुरकुत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अपने गैर मुनसिफाना सुलूक को मत भूलिएगा। हाँ दिया मैंने कला तुम साहब को, जबकि वो नहीं है हम में से। उन्हें इनाम से ना नवाजूं तो वो चले जाएंगे, छोड़ जाएंगे, लेकिन तुम तो मेरी पीठ थे, तुम तो मुख्तलिफ थे दूसरों से, मगर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जायदाद की खातिर तुम पीछे हट जाओगे मकसद से। मैंने जायदाद की वजह से ना अपनों को छोड़ा है और ना ही छोड़ूंगा। इंतखाब कर लो, कहां जाना चाहते हो? अब आपकी बात नहीं मानूंगा, अब मेरा कला छोड़ दे उस्मान साहब। इनागोल, इनागोल, अब ये तुम्हारा नहीं रहेगा। जंग के बगैर नहीं, इसके लिए मैं लड़ा था और हुक्मरान भी मैं था और गद्दारों का मैंने सामना किया यहां पर, लेकिन
वो जो मेरे खिलाफ रहे हमेशा मेरी चालों में गिर गए और मैं उनसे लड़ता रहा। इंतखाब कर लो कि मेरे साथ रहना है या फिर मेरे खिलाफ रहना है। 3 दिन की मोहलत है, छोड़ो ये जगह, जाओ यहां से। हम अपनी जानें दे देंगे लेकिन अगर आप हमारा घर चाहते हैं वो हम हरगिज नहीं छोड़ेंगे। तो फिर मैं दोनों लेकर रहूंगा। घोड़ों के निशानात दोनों तरफ हैं। बहनों आप अपनी आंखें खुली रखें, जंगल में हर जगह अच्छी तरह देखें। हम इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारेंगे आयशा खातून, इत्मीनान रखें। हम उसे ढूंढ लेंगे, जरूर ढूंढ लेंगे। हम उसे ढूंढने से पहले यानी शहर वापस हरगिज नहीं जाएंगे। मेरे बेटे तुम कहां हो? ये क्या है? आलगन बालिया, क्या ये अलचे चक्की है? अगर वो यहां थी तो अजीब उलझन का शिकार हो गई हूं मैं। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? मैं नहीं जानती आलगन, मुझे नहीं मालूम। मैं बस इतना जानती हूँ कि आलचिचक ने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है। उसने किया है ये। आयशा खातून बोलो। ये तैमूर साहब का घोड़ा है। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। आग तैमूर, तैमूर, उसे जाकर ढूंढो, उसे ढूंढो, हर जगह तलाश करो। आलगन मेरे बेटे को ढूंढो। हम उन्हें ढूंढ लेंगे। क्या हुआ? ये क्या कर लिया बेटी? हाँ, क्या तुम आग तैमूर के बारे में दोबारा सोच रही हो? नहीं, क्या मैं उस शख्स के बारे में सोचूंगी जिसने मुझे पीछे छोड़ दिया? सोच रही हूँ अब क्या करूं। अच्छी बात है, अपनी माँ की बात सुनो। वो लड़का उसमें बहादुरी नहीं थी, उसकी मोहब्बत भी झूठी थी। अपनी मां की बात सुनो और बाकी की फिक्र तुम मत करो। मैंने सबक सीख लिया है वालिदा, अब से आप जो चाहेंगी वही होगा। फिर भी मैं चाहती हूं कि ये शादी जल्द से जल्द कर ली जाए।
जनाब, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या दीवान पर जा रहे हैं? हाँ, हम दीवान जा रहे हैं, लेकिन उस्मान साहब का सामना कैसे करेंगे नहीं मालूम। आखिर आपने क्या गलती की है? हजारों मर्द किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही की शादी हो पाती है। ऐसा ही है खातून, लेकिन हमने उस्मान साहब को इस तरह वापस भेजकर अच्छा नहीं किया। हमें और क्या करना चाहिए था? और वहां जब इस्मेहान सुल्तान थी तो क्या हम उस्मान साहब की बात सुनते? आपने सही काम किया, और अब आपके साथ इस्मेहान सुल्तान है। अलची चेक, क्या वो ठीक है? क्या वो इसके लिए राजी है? उससे मैंने बात कर ली है, वो उपेंद्र से शादी करने पर राजी है। ठीक है, तो फिर चलो, हम चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। आप लोग इंतजार करें। आखिर हम यहाँ क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्या अब हमें दीवान में नहीं बुलाया जाएगा? सिपाहियों, ऐसा क्यों है? मैं क्या बोल सकता हूँ, ये फैसला तो उस्मान साहब का है। अगर कोई बदतमीजी करता है तो वो सिपाहियों के जरिए यानी शहर के दरवाजों तक ले जाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरदारा, दावत अब दीवान में बदल चुकी है, अलबत्ता किसी वजह से आती है ये सूरत हाल। ऐसी सूरत हाल में तादाद कम ही होती है। हमारा रास्ता पहले से ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमारी फतुहात जारी रहेंगी और दुश्मनों की तरफ हम यूं ही बढ़ते रहेंगे। सालिम के सामने हम कभी नहीं झुकेंगे। और अब आप में से जो लोग दीवान में शामिल होने के ख्वाहिशमंद हैं, गलों में रस्सी की गिरह महसूस करेंगे। शेर के मुंह में हाथ डाले बगैर याद रखिए, दीवान में कोई भी शामिल नहीं हो सकता आप में से। ये मेरी आखिरी तंबीह थी, और ये तंबीह उनके लिए जो वापस जाना चाहते हैं। आपको फैसला लेने का पूरा हक है, और वो जो शामिल होना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास हमेशा जगह रहेगी। तो इस राह पर चलने वाले को मौत का खतरा है। चलो सरदारान। उस्मान साहब ने इजाजत दे दी है तो यहां खड़े होने की वजह पूछ सकता हूं? हाँ, उन्होंने यहीं रहने को कहा है। हाँ, उन्होंने कहा है कि जो लोग वापस जाएंगे वो अब से सिपाही या सरदार भी नहीं रहेंगे। जो सिपाही या सरदार नहीं है
वो तलवार नहीं उठा सकते। हवाले करो। मैं इसे तोड़ देना पसंद करता हूं। आप तशरीफ रखिए। सब फतुहात उसी के लिए है, और वो जो हमें फतुहात से हमकिनार करता है उस अल्लाह के पाक नाम से इस दीवान का आगाज करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी फतह के लिए बनाई गई करारगाह के साथ क्या हुआ आप सभी जानते तो होंगे। हमने पूरी खबर सुनी है उस्मान साहब। लेकिन ये वो नहीं जो आपको सुनना चाहिए। जो आपको सुनाई देती वो फतह की खबर होनी चाहिए थी। जनाब, आप अपनी फुतुहात को खुफिया रखते हैं। हमारी बुनियाद को किसने बेनकाब किया? जैसे ही उसका पता चलेगा उसका सर कलम कर दूंगा मैं। मरकज पर हमला किसने किया? हमला करने वाला औल्फ था। चाहे कोई हमला हो या फिर कोई गद्दारी, कोई चीज इतनी मजबूत नहीं कि हमें फतह से रोक सके। इसलिए आप सबको इकट्ठा किया है। जो कुछ होना था हो गया, लेकिन जल्दी इस सूरत हाल को बदलना होगा। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं हुजूर। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस्मान साहब, इस्मिहान सुल्तान सूरत हाल के बारे में क्या सोचती हैं? इस्मिहान सुल्ताना मुझे जमीन देने वाली थी। आपके अबाव अजदाद को कुस्तुन दुनिया आए कितना अरसा हो गया? दो सदियां। या शायद तीन। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अपनी तमाम जमीन दे दूंगी? वो रोम जो इन तमाम सालों की खिदमत के बावजूद नहीं दिया। ये इसके बारे में नहीं है। मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। बाप की बारी है सुल्ताना। जिस जमीन का आपने मुझसे वादा किया था, मरमरा चिक्किला आप मुझे देंगी अभी। ओलो फाफंदी, क्या आपका इरादा मरने का है? मैं अपने वादे पर कायम रहूंगी, और तुम भी कभी नहीं भूलोगे कि मैं कौन हूं। कमांडर ओलोफ, याद रखना, अब अगर मैं तुम्हें जमीन का एक टुकड़ा दूं, उस्मान उसे फौरन वापस ले जाएगा। ये ठीक है, वो कर सकता है। मैं उसे उन दीवारों के नीचे कुचल दूंगा। यहां तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम वो करोगे जो मैं चाहूंगी। जब ये बात उस्मान को पता चलेगी। कि उसका भतीजा तुम्हारे पास है तो वो अपने भतीजे की तलाश शुरू कर देगा, और फिर तुम उसे एक बड़े जाल में फंसाओगे। मौत का जाल। आप फिक्र ना करें सुल्ताना, मैंने पहले ही अपनी चाल तैयार कर ली है। वालिदा सुल्तान, तुर्कत साहब आ रहे हैं।